कलंदरी गेट के लिए कई मकान पुराने तो अब नए बन चुके हैं, हैं जी। और पुरानी चीज इस टाइम ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, लियाकत अली की ये बिल्डिंग है, शमशाद मंजिल इसका नाम है। 1963 का मैं यहाँ अब बसिंदा हूँ। हमारे माँ बाप को ये उस क्लेम में मिली थी और कुछ पैसे दे करके फिर जा करके मिली थी। नवाब छत्ते में तो ये बिल्डिंग बहुत अच्छी थी उस टाइम। इस बिल्डिंग में पहले तो सरकारी आदमी रहते थे, सरकार ही अपना काम करती थी। उसके बाद इलाट होगी, फिर हमारे को मिली। लियाकत अली की लड़की को देखा है, 2-3 दफ़ा यहाँ आई हैं, हैं जी। और पहली दफ़ा पे तो वो बहुत रोई कि हमारी ये मेरे को दहेज में मिलनी थी, हैं जी, और ये मेरी बिल्डिंग जोन सी है, मेरी किस्मत में। मेरी माता जी ने कहा, बेटी रो ना, आप तो इस छोटी सी बिल्डिंग के लिए रो रहे हो और हम इतनी जदाद छोड़ के आए हैं। कमरे तो यहाँ बहुत बहुत कमरे हैं, कमरे तो गिनती नहीं है कमरे। चाय खाना तो जैसे मकान था, नीचे यानी के ऊपर अलग एक था, नीचे एक अलग कमरा बना हुआ था और बहुत खुला कमरा था। हमारे वहाँ कम से कम भी 100 किला बाग खजूर का था, 100 किला वहाँ का। और अभी नई खजूर लगा करके आए थे हमारे दादे परदादे, हमारे से वो सारे पत्ते पूछ करके गई। पहली दफ़ा तो वो रोती हुई गई, जब दूसरी दफ़ा आई फिर वो ऐसे, आपका तो इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल, मैं कमाल सोचती हूँ कि आपके इतने बड़े दिल, इतनी बड़ी जदाद छोड़ करके आप ऐसे चले आए हो। फिर उसका दिल भी हमारे साथ लग गया। अगले चक्कर पे उसने हमारे यहाँ खाना भी खाया और सारा कुछ रही भी सही। लियाकत अली का मेरे ख्याल में लड़का आया, हमारे को मिला नहीं, वो नीचे देख करके वापस चले गए। नीचे का, नीचे यहीं इस गली में, गली में ठहर करके अपनी बिल्डिंग को देखा उसने, हैं जी। मैं बल्कि उसको कहता भी रहा, भाई साहब आइए, अगर आपकी बिल्डिंग है देखो तो सही, लेकिन अंदर वो नहीं।